This call is now being recorded. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तु ईश्वरम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अयमान्याः प्रेयांसः व्याकरणानुरागिणः तत्र भवतां वर्तते स्वागतं अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। अद्य क्रोष्ट्री शब्दः व्याख्यायते। क्रोष्ट्री शब्द से पहले आपने अयंत पुल्लिंग सुना होगा, तो वहां ये चर्चा आई थी, क्रोष्टु शब्द के स्वरूपों की चर्चा आई थी। क्रोष्ट शब्द उकारांत है और श्रृगाल अर्थ का वाचक है। उसी क्रोष्ट उकारांत श्रृगालार्थक जो क्रोष्ट शब्द है, उसी का यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? तो वही स्त्रीलिंग में क्रोष्ट्री शब्द रिद्धि इकारांत बन जाता है। कैसे बनता है वह प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की जा रही है। सूत्र है स्त्रियां च। स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंतवद रूपम लभते। स्त्रियां च इति सूत्र से अर्थ वर्तते यत् स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंतवद रूपम लभते। यतो हि स्त्रियां चेति सूत्रम अतिदेश सूत्रम वक्तुं शक्यते। अस्मिन् सूत्रे त्रिजित क्रोष्टुः इति सूत्रम समग्रम अनुवर्तते। अतः रूपातिदेशात्मकम् अतिदेश सूत्रम वर्तते। रूपातितेशं करोति। अतः त्रिजित क्रोष्टुः स्त्रियां च। स्त्रियां च त्रिजित क्रोष्टुः माने स्त्रीलिंग में भी क्रोष्ट शब्द जो है त्रिजंतवद रूप को प्राप्त होगा। ये अर्थ यहाँ पर निकल आता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि स्त्रीलिंग में जो क्रोष्ट शब्द होता है वह ऋकारांत ही प्रयुक्त होता है, उकारांत नहीं होता। तो ऋकारांत जब हो जाता है क्रोष्ट शब्द के स्थान पर क्रोष्टि शब्द प्रयुक्तव्य। जब क्रोष्टि शब्द का रूपातिदेश कर दिया तो अब ऋकारांत क्रोष्टि शब्द बन गया और स्त्रीत्व की विवक्षा में अब यहां पर सूत्र आएगा रिण्यभ्योंगीप। यह रिण्यभ्योंगीप सूत्र जो है स्त्रियां सूत्र के अधिकार में आता है और स्त्री प्रत्यय प्रकरण का सूत्र है ये। क्योंकि यहाँ ऋकारांत स्त्री शब्द आ गया है तो ऋकारांत स्त्री शब्द से ङीप प्रत्यय करने के लिए ग्रंथकार यहीं पर स्त्री प्रत्यय प्रकरण के सूत्र को यही अयंत स्त्रीलिंग में ही ग्रंथ के रूप में निबंधन करते हैं उसका। तो यह ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र जो है अत्रापि पदद्वयम् वर्तते। ऋण्यभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम और ङीप इति प्रथमैक वचनांतम। इस सूत्र में ङ्याप् प्रातिपदिकात् सूत्र का अधिकार आता है और ऋण्यभ्य में द्वंद्व समास करिए ऋतश्च और नश्च इति ऋण्णो
और प्रातिपदिक से उसका स्त्रियाम का अधिकार आ रहा है, स्त्रियाम सूत्र का अधिकार है हिरण्यब्य योनि सूत्र में, और यहाँ ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र का भी, इस ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिकात इस पद की अनुवृत्ति आती है, और उस प्रातिपदिक को री के साथ, रित के साथ और न के साथ विशेषित करते हैं। अर्थात कैसा प्रातिपदिक जो ऋदंत हो, और कैसा हो जो नकारांत हो। जब विशेष विशेष भाव होगा तो तंदीरी होगी, ये संतुष्ट। तो अर्थ स्पष्ट हो गया, ऋदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य और नान्तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। तो ऋदंत और नान्त प्रातिपदिक से स्त्रियां वर्तमाने सति, स्त्री अर्थ हो तो नी प्रत्यय होता है। तो यहाँ क्रोष्टु शब्द जो बन गया था। गुरु जी, इधर मेरा थोड़ा जिज्ञासा है। मान लीजिए जो नृ शब्द है, जो नरवाजी जो नृ शब्द है, उसके स्त्रीलिंग में मैंने एक श्लोक में नृ किया है, नृ नृ किया है, तो सही है? तो और मान लीजिए नर शब्द, ये नर शब्द का स्त्रीलिंग में क्या नरी होगा ना नरा होगा? नर शब्द का नहीं, स्त्रीलिंग में नरी ना नरा, और नृ शब्द का स्त्रीलिंग में मैंने एक श्लोक में नृ किया, वो सही है कि नहीं? ये जिज्ञासा, ये बता दीजिए। ठीक है। देखिए, नृ नरयोर्वृद्धिश्च पाणिनि का सूत्र है, स्त्री प्रत्यय का सूत्र है। नृ नरयोर्वृद्धिश्च दोनों से गुरु नी गुरु प्रत्यय गुरु हो गुरु गुरु जी, काट काट के आता है क्या? शुरू से बोलिए, काट काट के आता है तो सुना ही नहीं दिया। अभी हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। पाणिनि का कहते हैं नयोर्वृद्धिश्च, तो नरस्य धर्म्या नारी, यहाँ पर नृ शब्द और नर शब्द, चाहे ऋकारांत नृ शब्द हो चाहे अकारांत नर शब्द हो, उन दोनों शब्दों से नी प्रत्यय होगा और वृद्धि होगी, तो नारी शब्द बनेगा, नृ शब्द नहीं बनेगा। आपका जिज्ञासा करना स्वाभाविक है। हिरण्यभ्यो ङीप सूत्र से यहाँ पर जैसे क्रोष्ठी में ऋकारांत क्रोष्ठी शब्द है और उसे ङीप प्रत्यय का विधान होता है, ऐसे ही नृ शब्द जो ऋकारांत है, ना नरो नरह जिसके रूप चलते हैं, उस ऋकारांत ना नृ शब्द से भी ङीप प्रत्यय हिरण्यभ्यो ङीप से होना चाहिए, परंतु वहां विशेष सूत्र बैठा हुआ है नृ नरयोर् वृद्धिश्च, है या वार्तिक वचन है जो भी है। तो गणसूत्र है गुरुजी। हाँ, तो वहां नारी यही बनेगा, नरी नहीं बनेगा। जैसे क्रोष्ठी बना लेते हैं, उस तरह से आप यदि नरीश बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि नरी शब्द को कंठतः भगवान पाणिनि ने सूत्र में उल्लिखित किया है, तो वहां ऋण्यभ्यो ङीप प्रवृत्ति नहीं होगा। ऋत ऋण्यभ्यो ङीप तो सामान्यतया समस्त ऋकारांत शब्दों के लिए है, तो उसमें समस्त में नृ भी आता है, परंतु नृ के लिए स्पेशल लेकिन अर्थ। लेकिन लेकिन गुरु जी, ये भी एक वचन है, मैंने क्वचित विशेष विधिना सामान्य विधि न बाध्यते, ये भी तो नियम है। क्वचित हाँ, क्वचित विशेष विधिना सामान्य विधि न बाध्यते, ऐसा तो नियम तो है, तो क्यों नहीं होगा? ये तो मेरा मालूम नहीं होता है। वाचित क्या है ना, आप कह रहे हैं क्वचित, क्वचित माने जहां ऐसा कहीं प्रयोग मिलता हो तो वहां आप क्वाचित करके आप कर सकते हैं, सार्वजनिक नहीं है वो। आप स्वयं बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि ऋषि का स्पष्ट संकेत है नृ नरयोर्वृद्धिश्च।
हमें उसका उल्लंघन हो जाएगा। वह ऋषि का वाक्य जो है व्याकुप्येत, तो वह कुपित होकर के हमें आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि ऋषि ने स्पेशल इसके लिए सूत्र बनाया है। तो नृ शब्द और नर शब्द दोनों से नीप प्रत्यय करेगा और आदिच को वृद्धि होकर के नारी यही शब्द बनाया जाएगा, वहां नृ शब्द नहीं बना सकते। हाँ, यदि आपका कहीं पुराणों में, ऋषियों के ग्रंथ में, वेद में कहीं ऐसा आर्ष प्रयोग आ गया तो उसकी संगति कैसे बिठाएं? तो क्वाचित करके आप संगति बिठा सकते हैं, पर ऐसा कहीं प्रयोग मिल रहा हो तो आप स्वयं उस प्रयोग के आविष्कारक नहीं हो सकते, क्योंकि महर्षि पाणिनि का वह सूत्र बैठा हुआ है। तो वह सूत्र वह नारी शब्द की ही निष्पत्ति करेगा, नरी शब्द की निष्पत्ति नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा हमारा मानना है। तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए क्रोष्ट्री शब्द है। अब क्रोष्ट्री शब्द से ङीप प्रत्यय करेंगे, ऋण्वेभ्यो ङीप शब्द से, सूत्र से, और भ संज्ञा हो जाएगी और ई का लोप हो जाएगा। ई का लोप क्यों हो जाएगा? भ संज्ञा होने पर भ संज्ञक ईवर्ण और अकार का लोप होता है, यहां तो ऋकार है, इसलिए री का लोप कैसे करोगे? री का तो लोप होगा नहीं। तो क्रोष्ट्री अग्रे ई, ऐसी स्थिति में यहाँ इकोणचि से यण होगा और री के स्थान पर रेफ आदेश होकर के, यण रूप जो रेफ आदेश है वह होकर के र में ई मिलकर के क्रोष्ट्री या दीर्घ ईकारांत क्रोष्ट्री शब्द बन जाएगा। अब इस क्रोष्ट्री शब्द से सुविभक्ति लाएंगे तो हलन्यादिना शुक्ला। गुरु जी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और नी नरयो जो बोला है आपने, वो क्या पाणिनि के सूत्र है क्या? हाँ, स्त्री प्रत्यय में दिया हुआ है। पाणिनि का सूत्र है तो, लेकिन मेरा तो अष्टाध्याय में दिखाई नहीं देता है गण सूत्र का सूत्र क्या है जी, गण बोला? सूत्र है जी। वहाँ गण में दिया हुआ है, स्त्री प्रत्यय का जो प्रकरण आ रहा है वहीं पर ही गण में दिया हुआ है। नी नरयो सूत्र क्या बोला? नी नरयो, नरे नी नरयो विदिश्च। ठीक है, मैं बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे तो ठीक है। नाम से देखिए, उसका विग्रह है नरस्य धर्म्या नारी। इस तरह से वहां नारी शब्द को बनाया गया है और अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो अस्तु, अब यहाँ पर क्रोष्ट्री शब्द से प्रथमा के एकवचन में सु विभक्ति लाएंगे तो सु को हलन्यादिना लोप कर देंगे। तो क्रोष्ट्री औ इत्यादि विभक्तियों में यण होगा, इकोयणचि से यण होता चला जाएगा। गौरी शब्द में जो स्थिति होती है वही स्थिति क्रोष्ट्री शब्द की भी होगी, इसलिए मैं आपको रूप चला करके दिखा देता हूं, आप सुन लीजिए उन रूपों को। क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रियौ, क्रोष्ट्रियः, क्रोष्ट्रीं, क्रोष्ट्रियौ, क्रोष्ट्रीः, क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभिः, क्रोष्ट्रियै, नदी संज्ञा होगी, और क्रोष्ट्रियै, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभ्यः, क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभ्यः, क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्रियोः, क्रोष्ट्रीणाम्, जैसे गौरीणाम बनता है ऐसे ही क्रोष्ट्रीणाम, और क्रोष्ट्र्याम, क्रोष्ट्रियो, क्रोष्ट्रीषु। इस तरह से हमने यहाँ क्रोष्ट्री शब्द के सारे रूप, हे क्रोष्ट्री, हे क्रोष्ट्रियो, हे क्रोष्ट्रिया, बिल्कुल गौरी शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। गुरु जी,
और नी नड़यो वृद्धिश जो वो सूत्र का संख्या बोलिए ना गुरु जी, कौन सा अध्याय कौन संख्या बोलिए ना, बताएंगे आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पाठ पर ध्यान दिया जाए। अब आगे पाठ आ रहा है बधूर गौरीवत। बधूर शब्द भी गौरी की तरह जलाएंगे, बधू शब्द का भी उणादि निष्पन्न होकर के बधू शब्द बनता है, और यहां पर भी उवंग नहीं होगा क्योंकि धातु का अवयव नहीं है, बधु शब्द है, इसलिए अचिष्णु धातुर भ्रुवाम युवो रिउंग इस सूत्र से यहाँ उवंग की स्थिति नहीं होगी और सब जगह गौरी की तरह बधु शब्द के रूप चलेंगे। तो इसके भी रूप चला लो, बधू रुत्व विसर्ग होगा, यहाँ सुलोप नहीं होगा, वधू प्रथमा के क्वेश्चन में, वध्वौ वध्वः वधूम वध्वौ वधूः वध्वा वधूभ्याम वधूभिः, और वधू शब्द से जब ङे विभक्ति लाएंगे चतुर्थी का एकवचन ङे लाएंगे तो नदी संज्ञा स्वाभाविक है, और नदी संज्ञा होते ही आठ जाति नाम क्या है वो, आठ जाति नाम नहीं क्या है वो, आठ आगम करने वाला आन नद्या, उससे आठ का आगम हो जाएगा और आठ अच्छे से वृद्धि हो जाएगी, तो बध्वई वधूभ्याम वधूभ्य बध्वाह वधूभ्याम वधूभ्य बध्वाह बध्वोः वधूनाम वध्वाम वध्वोः। सप्तमी के एक वचन में ये राम नद्याम निभ्या से, क्योंकि नदी संज्ञा है तो आम होना स्वाभाविक है, नी को आम हो जाएगा, बध्वाम बध्वो वधूषु। अब आगे ग्रंथकार कहते हैं भ्रूहु श्रीवत। भ्रू शब्द के रूप जो है स्त्रीलिंग में श्री शब्द की तरह चलेंगे, भ्रुकुटी वाचक जो भ्रू शब्द है स्त्रीलिंग में श्री शब्द के तरह रूप चलेंगे, तो श्री ही वैसे ही भ्रू शब्द से प्रथम वहां पर भी रुत विसर्ग होगा, सुलोक नहीं होगा, भ्रू भ्रुव भ्रुव क्या समझे, यण होगा कि उवंग होगा, तो दर्शन क्या है यहां भ्रम धातु से डू प्रत्यय होता है, तो डू प्रत्यय होगा तो अचिष्णु धातु रुवां युवो रिउंगो सूत्र से उवंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि धातु अवयव मिल जाएगा, अचिष्णु धातु रुवां सूत्र ही तो कहता है कि धातु का अवयव जो उकार तदंत जो अंग उससे अजादी प्रत्यय प्रत्यय उवंग होगा, इयंग और उवंग होंगे, तो यहां उवंग होगा, शब्द में यंग होता है वैसे ही भ्रू शब्द में यहां उवंग होगा, तो भ्रू भ्रुव भ्रुव भ्रुवम जैसे श्रीयम बनता है, भ्रुवम भ्रुव भ्रुव भ्रुवा भ्रुभ्याम भ्रुभिः भ्रुवे भ्रुभ्याम भ्रुभ्यः भ्रुवः भ्रुभ्याम भ्रुभ्यः भ्रुव भ्रुवो भ्रुवाम
श्रीयाम की तरह। अब वहां श्रीनाम प्रयोग भी बनता है, तो यहां पर भी नोट होकर के भ्रूनाम प्रयोग बनना चाहिए। और श्रीयाम भ्रुवाम भ्रुवो भ्रूषु हे भ्रू, अब हे भ्रू यहां ह्रस्व नहीं होगा, हे भ्रू यही प्रयोग बनेगा दीर्घ उकारांत, अमार्थक नहीं है, इसलिए अमार्थ नद्य और ह्रस्व से ह्रस्व भी नहीं होना है। तो हे भ्रू हे भ्रुव हे भ्रुवः। और सु उपसर्ग लगा करके शुभ्रू बनाओ तो वहां पर भी ह्रस्व नहीं होगा, शोभना भ्रू यस्य यस्यासा ऐसा करके यदि आप करें तो भी वहां ह्रस्व नहीं होना है। दरअसल यहाँ नदी संज्ञा न हो करके यहाँ आठ नद्या इत्यादि के आठ इत्यादि के आगम नहीं होने हैं, तो इस पर ग्रंथकार यहाँ भट्टिकाव्य को लेकर के आते हैं, क्योंकि भट्टिकाव्य ह्रस्व कर रहे हैं। भट्टिकाव्य ने भट्टी भट्टी महाराज ने भट्टिकाव्य में ह्रस्व किया है। कथम तरही हापितः क्वासि हे शुभ्रू इति भट्टी ही। भट्टी काव्य में हे शुभ्रू शब्द का प्रयोग किया है। भगवान श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हैं और रावण उस सीता को उठा ले जाता है, तो जिस पंचवटी में सीता जी रहती थी वह पंचवटी सीता से शून्य हो गई है, तो उसको देख करके भगवान श्री राम कहते हैं हापितः क्वासि क्वासि हे सुभ्रु, हम तो मारे गए, तुम कहाँ हो हे अच्छी भ्रुकुटी वाली वोहों वाली हे शीते, तुम कहाँ हो? तो वहां हे शुभ्रु ऐसा ह्रस्व करके वो हे शुभ्रु करके लिखते हैं भट्टिकाव्य में। तो ये कैसे लिख दिया उन्होंने, यहाँ तो ह्रस्व होना नहीं है, नदी संज्ञा होनी नहीं है, अमार्थ नदी और ह्रस्व से ह्रस्व होना नहीं है। तब इस पर ग्रंथकार लिखते हैं प्रमाद एवायम इति बहवः। भट्टिकाव्य लिखने वाले आचार्य ने प्रमाद वशात हे शुभ्रु ऐसा ह्रस्व करके लिखा है। अब आप देखिए इतने बड़े बड़े आचार्य भट्टिकाव्य लघु सिद्धांत कौमुदी को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण उसमें हैं, और एक कौमुदी कथा कल्लोलिनी आप पढ़ेंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही भट्टिकाव्य भी ऐसा ही है। सारे शास्त्री कवि हैं, शास्त्र कवि हैं ये लोग, इन्होंने ऐसे काव्यों की रचना की है जिसके माध्यम से हम व्याकरण को और उसके प्रयोगों को उदाहरणों को दृष्टांतों को खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शास्त्रीय कविता है वो, परंतु ऐसे बड़े विद्वान भी कहीं न कहीं फिसल गए, तो हो जाता है। हम लोग मनुष्य हैं, पार्थिव शरीर वाले हैं, कहीं न कहीं गलतियां हो जाती हैं। इसलिए दीक्षित जी ने स्पष्ट लिख दिया प्रमाद एवायम इति बहवः, बहवः आचार्य वदन्ति यत प्रमाद से ही लिख दिया है, हापितः क्वासि हे शुभ्रु में ह्रस्व जो किया है वो प्रमाद वशात किया है, संभव नहीं है ह्रस्व। अस्तु यह प्रकरण पूरा होता है। अब नया शब्द वो खलपु शब्द आ रहा है गुरुजी, इसमें तृतीय चतुर्थी पंचमी में भी दो रूप बनेंगे जी। देखो वो दो रूप वाला जो स्वरूप है उसमें मैंने आपको एक रास्ता बता रखा है, वो
वर्ण संज्ञा पक्ष, जो नदी का वर्ण संज्ञा पक्ष है, कहीं ऐसा प्रयोग मिलता है तो आप उसकी संगति बिठा लीजिए, अन्यथा तो आप बगैर नदी संज्ञा वाला ही उवंग वाला ही रूप बनाइए, यही लोक में प्रचलित है। पर कहीं नदी संज्ञा करके और आठ नद्या से आठ का आगम करके यदि कोई बनाते हैं वर्ण संज्ञा पक्ष को लेकर के, तो कहीं प्रयोग यदि हुआ है तो किस तरह से बिठा सकते हैं। लोक प्रमाण माना जाता है, लोक में जैसी प्रसिद्धि है के अनुसार हमें समझना होगा। अस्तु, खलपू शब्द जो है पुल्लिंग की तरह ही स्त्रीलिंग में है, खलम पुनाती थी खलपू, क्योंकि ये खल पवनादेर पुम धर्मतया, खलियान को पवित्र करना, उसको साफ स्वच्छ करना, ये पुरुषों का काम है, स्त्री का तो काम होता नहीं। ये खलपू शब्द का भी रूप पुल्लिंग की तरह ही चलेगा, सब में यण होगा, कल हमने इसके रूप चलाए थे। अब आगे शब्द आ रहा है पुनर्भू, स्त्रीलिंग में भी तो हो सकता है पुनर्भू, तो यहाँ पर भी यण ही होना है। यहाँ पर भी एक वार्तिक आ जाती है, धनकर पुनः पूर्वस्य भो यण वक्तव्य, वो वार्तिक भारी पड़ जाती है, नहीं तो यहाँ उवंग हो रहा था, परंतु उस वार्तिक वचन के कारण वह उवंग रोक लिया जाता है और यण हो जाता है। यही बात ग्रंथकार लिखते हैं कि दृढ़कर इति यणा उवंगो बाधात, नेयुं स्थानावस्त्री इति निषेधो न, नेयुं स्थानावस्त्री जो नदी संज्ञा का निषेध करता है वह निषेध नहीं होगा, अर्थात पुनर्भू शब्द में नदी संज्ञा होगी, तो संबुद्धि के एक वचन में हे पुनर्भू रस होगा, अमार्थ नद्यो रस से रस होगा, और रूप सारे वही चलेंगे, पुनर्भू पुनर्भुव पुनर्भुव सब में यण होगा, पुनर्भुवम पुनर्भुव पुनर्भुआ पुनर्भुआ पुनर्भूभ्याम पुनर्भूवी पुनर्भुवे पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्या। अब यहां पर चतुर्थी के एक वचन में नदी संज्ञा का जब निषेध नहीं हो रहा है तो यण करने से पहले आप यहां आठ का आगम आण नद्या से कर सकते हैं और आ और ऐ में वृद्धि करके पुनर्भू अग्रे ऐ और अब यण करिए तो पुनर्वई ऐसा रूप बनेगा, पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्या पुनर्भुआह पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्या पुनर्भुआह पुनर्भुओ पुनर्भूणाम। पुनर्भूणाम में णत्व कैसे करेंगे, रसाभ्याम लोण समान पदे से कर नहीं सकते क्योंकि समान पद नहीं है, यहाँ तो समास हुआ है, पुनः शब्द अलग है और भू शब्द अलग है, उपपद समास होकर के एक पद बना है, और अटकुपांग विवाह पीछे भी णत्व आप नहीं कर सकते क्योंकि वह सूत्र भी समान पद में ही णत्व करता है, तो पुनर्भू नाम में णत्व कैसे होगा, उसके लिए णत्व करने के लिए नया सूत्र आ रहा है एकाजुत्तर पदेण। अब ये एकाजुत्तर पदेण सूत्र है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, एकाच उत्तर पदे और अण, इस तरह से हम यहां संधि विच्छेद करेंगे, उत्तर पद जो है समास के चरमावयव में रूढ़ है, उत्तर पदे का मतलब है समास का चरमावयव, इसलिए उत्तर पद से हम यहां समास अर्थ को अपने अपने आप ले आएंगे, और एकाच का अर्थ आप जानते ही हैं, एक अच यस्मिन तत एकाच,
और उत्तर पदे में भी आप बहुव्रीहि समास कर लीजिए। एकाच उत्तर पदम यस्य सह एकाच उत्तर पदः, यहां ऐसे समास करिए, एकाच उत्तर पदम यस्य सह एकाच उत्तर पदः तस्मिन् एकाच उत्तर पदे, इस तरह से एकाच उत्तर पदे इति सप्तम एकवचनांतम प्रथमं पदम अस्मिन् सूत्रे वर्तते। बहुव्रीहि गर्भ बहुव्रीहि समास है यहाँ पर एकाच उत्तर पदे में। पहले तो एकाच पद में बहुव्रीहि समास करिए और एकाच उत्तरम एकाच उत्तर पदम यस्य सह एकाच उत्तर पदा तस्मिन् एकाच उत्तर पदे, इस तरह से यहाँ पर समास करना होगा। और रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र पूरा अनुवृत्त होता है, पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह, इस सूत्र से यहाँ पर पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति आती है। पूर्वम पदम यस्य तत् पूर्व पदम तस्मात् पूर्व पदार्थ, और रेफ और शकार दो हैं इसलिए पूर्व पदस्थाभ्याम द्विवचन में वह कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और इस सूत्र में प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिष्ठसु एक सूत्र है, उस सूत्र से प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु इतना पद पूरा अनुवृत्त होता है, तब जाकर के इसका यह अर्थ निकलता है कि एकाच उत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्था निमित्तात्परस्य, पूर्व पद में स्थित निमित्त कौन है, रेफ और मूर्धनिषकात, उससे परे प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति में स्थित प्रातिपदिक के अंत में स्थित नुम में स्थित या विभक्ति में स्थित। तो यहां पुनर्भू शब्द से आम विभक्ति लाते हैं तो नुट का आगम हो जाता है नदी संज्ञा मान करके, और वह नुट जो है विभक्ति का ही आद्यवय हो जाता है, तो यह नुट का जो नकार है वह विभक्तिस्थ नकार कहला जाएगा। या तो प्रातिपदिक के अंत में स्थित हो या नुम में स्थित हो, नुम का जो नकार हो अथवा विभक्ति का नकार हो, तो ऐसे नकार को नस्य नित्यम णत्वम स्यात्, णत्व होता है नित्य ही। अतः अब ये सारी चीजें पुनर्भू शब्द में मिल जाएंगी। पुनर्भू शब्द जो है एकाच उत्तर पदम वाला है ही है, भू जो है एकाच उत्तर पद है, पुनर जो है और पूर्व पद में स्थित रेफ और शकार, तो पूर्व पद है पुनर, उसमें स्थित रेफ है ही है, वर्णत्व का निमित्त है, और विभक्ति में स्थित नकार मिल जाएगा, तो पूरा अर्थ इसका घट जाएगा। अतः पुनर्भू नाम में इसी सूत्र से ऋणत्व होता है। आरंभ सामर्थ्यात नित्य सिद्धे पुनर्ग्रहणम स्पष्टार्थम, कहते हैं कि इस सूत्र में जो कहा आपने वृत्ति लिखी कि नस्य नित्यम रत्तुम स्यात्, ये नित्यम कहने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो स्पष्टार्थ बतलाने के लिए, क्योंकि आरंभ सामर्थ्यात नित्य तो होना ही है और नित्य ही होना है, चलो कोई बात नहीं है। यणम बाधित्वा परत्वानुट पुनर्भू अग्रे आम, ऐसी स्थिति में कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः, इस वार्तिक के अनुसार यण होना चाहिए पर वहां यण के ऊपर नुट हावी हो जाता है, इसलिए नुट पहले होगा, और नुट होते ही वहां स्थिति बदल जाएगी। पुनर्भू नाम रत्त होकर के पुनर्भू नाम यह प्रयोग बनेगा। अब चलते हैं आगे, वर्षा भू शब्द आ रहा है, वर्षायाम भवती इति वर्षा भू, तो यह जो वर्षा भू शब्द है, समझ गए ना, पुनर्भूणाम पुनर्भुवाम पुनर्भुवो पुनर्भूषु, इस तरह से
शब्द बना लेना, शब्दों के रूप चला लेना। वर्षाभू शब्द यहाँ भेक अर्थ में है, भेक माने मेढक, स्त्रीलिंग है तो मेढकी, मेढकी अर्थ हो जाएगा पुनर्भू शब्द का, वर्षाभू शब्द का। भेक जातो नित्य स्त्रीत्वाभावात हे वर्षाभू कैयट मते और मतांतरे तू हे वर्षाभू प्रश होगा। देखो नित्य स्त्रीलिंग के दो लक्षण हैं, पदांतरम बिना भी वर्तमानत्वम नित्य स्त्रीत्वम, यह जो आचार्य काशिकाकार के मत में नित्य स्त्रीलिंग का लक्षण किया गया, और कैयट का जो मत है लिंगांतरा नविधायकत्वम, लिंगांतर का जो अविधायक न हो वही नित्य स्त्रीलिंग है, तो दोनों पक्षों में मत मतांतर में यही होगा। कैयट मत में तो वर्षाभू यही रहेगा, वहां नदी संज्ञा नहीं होगी, और मतांतर में नदी संज्ञा होगी तो रस हो जाएगा, तो हे वर्षाभू ये भी बनेगा। भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री वर्षाभू दर्दुरे पुमान, ये यादव नाम का कोई कोश है, शब्द कोश है, तो स्त्रीलिंग में मेढकी और पुनर्नवा नाम की औषधि है, उन अर्थों में वर्षाभू शब्द का प्रयोग होता है, और पुल्लिंग में मेढक अर्थ में दर्दुरे अर्थे उमान अर्थ में वर्षाभू शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा यादवाचार्य का मत है, यादव नाम का कोई शब्दकोश है उसमें ऐसा लिखा है। वर्षाभूवश्च एक सूत्र है, उससे जो है यण होना है, यहाँ पर स्पेशल सूत्र बनाया गया है। अब यहाँ दृढ़कर पुनः पूर्व से भूवण वक्तव्य वाली वार्तिक वचन से काम तो होगा नहीं, कुअंग प्राप्त था, उस कुअंग को बात करके वर्षा भूवश्च से यण होकर के वर्षा वो वर्षा भुआ सब में यण करते चले जाइए। स्वयंभू कुंभत, स्वयंभू शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे, स्वयंभुवे वंग होगा, क्योंकि यहाँ अनेकांश हो गया, एकांश नहीं है, इसलिए वहां जो यण करने वाला जो सूत्र है अचुष्ण धातु जो सूत्र आता है हिरण्य काचो संयोग पूर्वस्य, उससे जो है यहाँ यण हो जाएगा, यण जो है अनेकांश होने के कारण जो है यण प्राप्त होता है, तो उस स्वयंभू शब्द में अनेकांश होने के कारण यण नहीं होगा, यंग होगा, अनेकांश में ही यण होगा, अनेकांश, इस तरह से स्वयंभू शब्द की भी सिद्धि हम स्वयंभू शब्द के भी पुल्लिंग की तरह ही रूप चलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, न खट सस्रादिभ्य, यह जो न खट सस्रादिभ्य शब्द सूत्र है, यह ऋकारांत शब्दों में ङीप और टाप का निषेध करने के लिए बनाया गया है। ऋण्येभ्यो ङीप सूत्र से नित्य ही ङीप प्रत्यय प्राप्त है, तो यह न खट सस्रादिभ्य निषेध करता है, और आगे कुछ है नहीं, बहुत सरल है। खट संघ केभ्य और स्वस्रादि गणपठितेभ्य नीप टापो नस्तः, स्वस्त्री शब्द आ रहा है, भगिनी अर्थ का वाचक स्वस्त्री ऋकारांत शब्द है, तो ऋकारांत होने के कारण ऋण्येभ्यो नीप से नीप होना चाहिए, तब इन्होंने कहा कि न खट स्वस्रादिभ्य, अटसंज्ञक और ससुरादियों से नीप टाप नहीं होते हैं, तो स्वश्री शब्द ऋकारांत ही रह जाएगा, तो कहा ससुरादि गण में पठित शब्द कौन से हैं, तो श्लोक वार्तिक महाभाषिकार की उठाते हैं ग्रंथकार, सुषा तिस्रश्च तस्रश्च ननांदा द्विहिता तथा याता मातेति शब्दैते ससुरादय उदाहृता। ससुरादि गण में सात शब्द आते हैं, त्वषा तिस्री तस्री ननांद्री द्वित्री यात्री मात्री,
यहाँ मातृ शब्द से जननी अर्थ वाला मातृ शब्द है, तो ये सात स्वस्त्रादि गण में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ नीप टाप नहीं होगा तो स्वस्त्री शब्द का रूप कोई क्रोष्ट्री शब्द की तरह चलेगा। अपत्रिन त्रिच स्वस्त्री नपत्री निस्त्री क्रोष्ट्री क्षत्रि होत्री पोत्री शास्त्री नाम में अवादि नाम ग्रहणम नियमार्थम तिन प्रजंता नाम उणादि निष्पन्ना नाम दीर्घ सी नपरादी नाम एव, इसलिए अपत्रिन त्रिच स्वस्त्री नपत्री में स्वस्त्री शब्द आता है अतः यहाँ दीर्घ हो जाएगा, सुषारव प्रयोग बनेगा, श्वसा अनंग होकर के श्वसा सुषारव सुषारह सुषारम सुषारव स्वस्त्री और सब में यण करते जाओ स्वस्त्रा स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभिः स्वस्त्रे स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभ्यः श्वश्रुः वित्त लगा देना स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभ्यः श्वश्रुः श्वश्रोः स्वस्त्रीणाम, ऐसे ही मातृ शब्द का रूप चलाएंगे तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा, केवल प्रथमा के क्वेश्चन में दीर्घ होकर के माता ऋतों की सर्वनाम स्थान है और आगे अव्यक्ति प्रयत ऋतों की सर्वनाम स्थान से गुण होगा मातरव, यहाँ आवाज अत्यंत से दीर्घ होना नहीं है क्योंकि नपत्रादि गण में पठित नहीं है मातृ शब्द अतः उसको दीर्घ भी नहीं होगा, श्वस्त्री शब्द तो नपत्रादि में पठित है इसलिए वहां दीर्घ हो जाता है, तो माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृ मात्रा मातृभ्याम मातृभि मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य मातुः मातृभ्याम मातृभ्य मातुः मात्रो मातृणाम मातरि मात्रो मातृभ्यो इति रिदन्ताः, द्यौः गौवत् द्यौ द्यावौ द्यावः गौ गावौ गावः की तरह द्याम द्यावौ द्यौ इस तरह से रूप ला लेना देवा योभ्याम और जो शब्द के रूप चला लिए उदंत के, ऐसे ही रा पुंबत स्त्रीलिंग में भी रही शब्द का रूप स्त्रीलिंग में पुल्लिंग की तरह चलेगा, रा रायु राय रायम रायु राहर राया राभ्याम राभी राये सब स्पष्ट है, नौर ग्लौवत नौका अर्थ वाला जो नौ शब्द है उसका ग्लौ शब्द की रूप तरह चलेंगे, नौ नाव नावह नावम नाव नावह नावा नौभ्याम नौभिः नावे नौभ्याम नौभ्य नावह नौभ्याम नौभ्य नावह, इस तरह से सब जगह रूप है नावो नावाम नावी नावो नौशु इस तरह से सारे रूप जो कहे बना लेंगे, और ये आज अयंत स्त्रीलिंग प्रकरण का यहाँ पूर्ण आवृत्ति होती है और कल से अयंत नपुंसक लिंग प्रकरण प्रारंभ होगा और हमारी कक्षा भी यहीं पर आज की कक्षा यहीं पूर्ण होती है, आप सभी अपने प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं तो आपका स्वागत है। गुरु जी अभी अवकाश हो तो जो सूत्रों का संख्या बोल दीजिए ना, क्योंकि मैं तो अष्टाध्यायी में ढूंढ नहीं पाता हूँ, मुझे आपने जो नई शब्द को बोला ना वो सूत्र संख्या को बताइए।